गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई ब्लॉग। कैसे हो आप लोग, आइयो अच्छे हो गए। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:45 और हम जग गए हैं। हमारी ट्रेन 3 बजे आने वाली थी लेकिन 3 घंटे लेट हो चुकी है, तो 6 बजे स्टेशन पे पहुंचेगी हमारी ट्रेन। तो अभी ट्रेन आने में 10 मिनट बाकी है, तो हम जा रहे हैं सीधे स्टेशन, बैठेंगे और सीधे घर के लिए निकल लेंगे। ठीक है, ब्लॉग में बने रहो लास्ट तक, अपनी ट्रेन वाली जर्नी दिखाएंगे। ठीक है, और हम सोच रहे हैं फार्म तक घर पे पहुंचे, रंजना दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लें। आज उनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रंजना दीदी जी और गॉड ब्लेस यू, ऐसे हमेशा कफरो लाइफ में। तो अब चल रहे, फिर मिले। ठीक है, तुझे रूम को मैं कर रहे बाय, मिस कर रही रूम को, आई लव यू रूम। तो जेफ कुछ हमारी दायना आती देख रहे रूम की, तो अब चल रहे फिर। ठीक है, छोड़ेंगे, बाय, आई लव यू। नीरज जो कुलदीप नीचे चले गए, हमें छोड़ेंगे, देख रहे तुम गते देखो कहाँ है। तो लिफ्ट पे हम नीचे जा रहे, जीरो चाबी चाबी रुको रुको चाबी रह गई यार। तो भैया देख रहे डोमिनो जो बंद है देखो पीछे, तो सर्दी बहुत ज्यादा है गाइस लिटरली। तो चल रहे अब स्टेशन सीधे और ट्रेन को कर रहे वेट। भैया 3 बजे की ट्रेन आती और 5:30 बज गए, 5.5 घंटा लेट हुई। सोचो हम लोगों ने ले ली घर पहुँच में, घर पहुँच में 10 बजे बनते रात को। कोहरा की वजह से भैया लेट है, कोहरा की वजह कौन भी है, यही जुए। चल भाई। तो भैया अब टाइम मेरा 4 बजे लेकिन गाड़ी हिल नहीं रही, 1 घंटा हो गया नहीं ठाड़े ठाड़े हैं, जब पता नहीं कहाँ ठाड़ी स्टेशन पे खड़ी होती थी, जब तो है कि स्टेशन पे खड़ी है, पता नहीं कहाँ खड़ी, भीड़े चल रही था पे। और हमें पहुंचने तो जल्दी पहुंचे, रंजना का बर्थडे है तो, लेकिन वो नहीं लग रही अब पहुंच पाए हैं। लेकिन हमने कॉल कर दिया घर पे, हमने केक मंगा लियो, कट कर लियो, और लेट हो जाए तो आई थिंक वो लग रहा हूँ 11-12 बजे हैं मुझे इटावा तक पहुंचने में। ये देखो भीड़े चल रही, देखो चल रही है ना छिड़िया बकरियां कहाँ पे है, बोर और बैठे बैठे एकदम, पता है कोहरा ना होता तो लेट नहीं होती, सारी ट्रेन लेट रहे। तो भैया कहा बताए रंजना को बर्थडे तो मनी गो, केक कट गई और सब घर वाले सो गए और हम बैठे अब ट्रेन में। बिकॉज अब टाइम हो गया 12:30 बज गए और ट्रेन अब तक घर नहीं पहुंचा पाओ, और ट्रेन इटावा पहुंचने वाली थी 3 बजे दिन के, रात के 12:30 बजे अभी तक नहीं पहुंची, इटावा पहुंची आई थिंक 1 या 1:30 बजे। पूरा दिन हुए बैठे बैठे ट्रेन में, पूरी रात वही जा रही लेकिन ट्रेन ने घर नहीं पहुंचा पाओ, कोहरा की वजह से पता नहीं कहा की वजह सारी ट्रेन लेट है। हाँ तो बिल्कुल कोहरा बहुत ज्यादा है, तो दिखाई नहीं दे रही ट्रेन, ब्रेन बिल्कुल रिंग रिंग के चल रही है। अगर पैदल भजे निकल जाओ तो आगे निकल जाओ जमानो, अब देखे अगर 1-1.5 बजे पहुंचे फिर मुझे भूख भी लग रही है यार बहुत तेज, पूरे दिन कुछ खाओ ना, अभी भी नहीं कुछ खाओ, कुछ खाएंगे सबसे पहले फिर उसके बाद घर जाएंगे। तो बर्थडे देख रहे हैं, अगर बर्थडे वाली क्लिपें फतिम ने ली हुई हैं तो घर पे तो वो डाल दी, देख लियो रंजना दी का बर्थडे कैफे का सेलिब्रेट हुआ है। ठीक है, तो का फका था गुस्सा आया, फका गुस्सा ही आई और क्या करें। चलो देख रहे हैं पहुंचे फिर आपको मिल ला रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे ट्रेन के बारे में, कितने स्टार देना चाहोगे? जय बोहरी वाली मानंदा एक्सप्रेस, सिग्नल नहीं मिल रहा, सबको सिग्नल मिल रहा है, जब कोयला वाली तो रत्ता दी राजधानी है, तो रत्ता दी कौन सा सबनों को रत्ता दे रही, जय इस प्राणी की वजह जो कुछ हुआ है वो है। ये देखिए मुस्कान, ये तो देखो ड्रामा ही मत करो भैया, अब ट्रेन हम लात मारे की जी, हम जो हमें आ जाए मानंदा एक्सप्रेस 3 बजे पहुँचती, जो बुकिंग होती 9 तारीख की 3 बजे पहुँचती, जल्दी शाम को बैठते जल्दी पहुंच जाती ना, जाने क्या ले गया कोई। भैया देखो पौनो 1 बजे मतलब 12:45 हुई है, अब इटावा ना आया, अब इटावा इनता 10 किलोमीटर है, तो आया है तब जाए। और देखो मुंह लग रही है जो खाई है बिना खाने रहे, और देखो पिंपल कितने निकल गया यार। सुमित भैया आए लेवा के लिए, आए ना आए ऑटो चलाते तो इनता कॉल कर ली थी बेचारे बेहू इन बैठे हुए हैं, ठंड तो पड़ रही, कोहरा कट रहा भयंकर, चल रहा है बिनते मिले खाना खाए घर पहुंचे फिर पर सोए। कल रंजना का बर्थडे है तो आज है बारे भाई का बर्थडे, तो हैप्पी न्यू ईयर बारे भाई को, गॉड ब्लेस यू। यो रंजना को केक हो है, यो रंजना है, अब ये रंजना केक काटे है और ना काटे तो पिटे है, चलो जरा को जरा रो ये केक एक साइड पर कर लेने। चालू है यार, हैप्पी बर्थडे टू यू रंजना, हैप्पी बर्थडे टू यू, बाड़े का उन्हें भरे तक
हैप्पी बर्थडे रंजना, उठाने पारी केक दे। तू ही गोतो बजा के ले ने कौन कौन मैं ना पता सत्य में दाऊ चालू रंजना खवा खा ले रंजना तू खवा तू खवा रंजना कितना बड़ा मन मुफा तो मैं केक के ना ले तो भाई कबार ले सी है 120 रुपए आ गई है। बहुत बड़ी वाह पापा बहुत खवा रहे रुपए कितने मिल गया रंजना को ना जत्ता 1000 रुपए भी ना कर लगे ना कर मम्मी हेल्प चलो रुपए दे पापा 2-3000 रुपए ले ले हमें मिले लक्ष्मी जी तो आया मम्मी तुम चढ़ाए दो भेंट हां के सोए हैं ले हम पकड़ लेंगे ऐसे जब हम पीछे हाथ धरे हैं मुड़े पर काहे की जरूरत लगा रही कैसे खा रही बड़ो जूम कर रही देख रहा मम्मी दो मैं मम्मी ने देख रही तो मैं मम्मी मुझ गया रही रंजना मोह में ये हमारे गांधी साहब की बहू आ गई हमारी छोटी ताई ए ए छावास रंजना चतुर है जाने कई पहले रुपया ले ले तब बाद में खावे सबनों को देखो रंजना खिलाती हुई बच्चों को खीर खीर ओ भैया नंदू का इतो बड़ो मोबाओ बने ने खाई रोशन ये खा ले बड़े कारू नहीं ले रही थी पन्ना में आई दर्द दे ऊके दे सच में देख दिए देख कत्तो बड़ो बड़ो वो भारो दंडारी कितना का लाल लगा दे जब वो इंदे दे जब जुल्फे और लगा मैं बहुत पुराना तो मेरो सही बताया रे बेर बेर जुल्फे हटा फिर भी टीको करवा था खाए ले खाए अच्छी ना रांधा 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 एलर्जी होती है कि नहीं जैसे तो वाह ए का कर रहा हूं चलो ले रंजना तो पकड़ा जाओ जा मोड़ी जाके बहुत तो रे मैं का कर रहा हूं जगह एक रूम में दे मुंह पे छत जाए ना वाली इन पे बड़े भैया बांटन जा रहे सब लोग उनमें केक सब लोग खाएंगे जे बांटेगा बड़े भैया काट काट के धरे जे बांटे जे घर पे खाएंगे और अपने घर पे अभी नहाएंगे जाके तू नहा ले तू नहा ले मैं कब है ए तो तू काय के बोल लो धरो बड़े भैया मैं तू जा रे छोड़ दो तू जा तू भी जा नीते ले देख तो ले कमी है तो भैया यहाँ पे जा रही है चच्चा टोपी केक और दो दो बिस्कुट है नीते दे रही सबने वाले जो कोई रहना जाए टोपी डल रहा है मत डल तो भैया मेरा बर्थडे मन चुको है अब केक सब कुछ कटे गए बट गए सब लोग चले गए अब मतलब बट रही है नीते सा भैया और मम्मी और सब लोग चले गए केक कट गए सब लोग मिल गयी कर रहे लगे देखो अब इटावा में टाइम है देखियो अब 3 किलोमीटर दूर है गाइस आ चुके हैं फाइनली इटावा जंक्शन जब इंतजार है तो 1 घंटा तो हमारी 30 मिनट में नेक नेक चल रही थी स्टेशन उधर मजे ने गिर पर वही बारे ला लगी नहीं रोक रोक गाड़ी नहीं रुक रही भगवान यार ये बटन दाब थोड़े क्या उतर के लटक जा भगवान है भाई रुकता ही नहीं रुक जा रोक ले रोक मोटरसाइकिल यही लटक गई है जो आगो रे पुल मेरो बस का रोक दे जू कहां है पुल अपन जहाँ पे उतरे वहां हुआ जाए ना वहां बाहर लंबी है ट्रेन अपन वहां चढ़े दिया है ना बहुत चढ़े स्पीड है अरे इटावा जंक्शन और सुमित भैया स्टेशन पर बाहर खड़े हैं तब भी हमें पिकअप करें टाइम 1 बजे हो ठंड कड़ाके की पर रही देख लियो कोहरा जब भाई ट्रेन है देख रहे तो मैंने आते मुँह ली तो भैया आए गए एक ढाबा पे टाइम 1:30 बजे हो तो इन पे खाना खाए नीरजा खा रहे हैं रूटू बैठो टम्पुआ में हम सुमित भैया और कुल्ली भैया तो भैया अब एक टाइम हो रहा है सुबह के बज रहे 4 हम उतरे थे इटावा 1:30 बजे फिर खाना खाओ हम लोगों ने फिर खाना खाने के बाद फिर ऑटो फिर आए बिल्कुल धीरे धीरे
दे रहे हैं। कोहरा इतना कट रहा हो तो बहुत ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इटावा से घर पे आए में समथिंग एक घंटा लग गया। बिल्कुल धीरे धीरे 20 की स्पीड में लेके आए ऑटो फिर भैया। तो फाइनली आ गए हैं और ये देखो बर्थडे कल हैप्पी बर्थडे कल और आज मकान पर बोल जो खाना खा रहे हो ना बैठो मम्मी ये ठाणी ना बे कपड़ा ले आए तो दिखा रहे थे। तो भैया 4:30 बज गए हैं और मैं आ गए अभी ऑफिस। तो अभी चलेंगे अपने रूम में छत पे तो वहाँ पे सोए जाएंगे। और जो क्लिप आती है रंजना की बर्थडे की वो हमने डाल रही है। ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को कर दो लाइक, मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। प्यार मोहब्बत बनाए रखो, कभी हेट मत करो, गलती हो तो माफ कर दिया करो। और हाँ थैंक यू लव यू। और हाँ एक पच्ची